CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। जिले में गिने चुने ही उद्योगपति बचे हैं जो बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, पर अब मीडिया और नेताओं की नजर अपने व्यवसायिक हित साधने के लिए इन उद्योगों पर पड़ रही है। इन उद्योगों में एक है जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स, जो तकरीबन 2000 लोगों को रोजगार देने के साथ देश विदेश में जिले का नाम रोशन कर रही है। विगत दिनों एक छोटी सी घटना को लेकर मीडिया व ग्रामीण नेता की मिलीभगत से ऐसा हंगामा मचाया जैसे फैक्ट्री से निकले पानी ने आसपास के क्षेत्र के जल को दूषित कर दिया है। हजारों लोग इस पानी से बीमार हो गए, जबकि कंपनी द्वारा ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए 6 करोड़ की लागत से 500 केएल की क्षमता वाली पानी को साफ करने वाली मशीन भी लगाई गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन भी दे दिया। पर्दे के पीछे की कहानी में चूंकि 26 जनवरी आने वाली थी और मीडिया से जुड़े लोगों पर विज्ञापन का दबाव रहता है, तो मीडिया वाले कंपनी मैनेजमेंट पर पैसे का दबाव बनाने लगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के नेता भी जलती आग में रोटी सेकने के लिए लालायित होने लगे। जब मांग पूरी ना होते दिखी तो फिर खेल शुरू हो गया और सभी ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया और फैक्ट्री को नोटिस और बंद करवाने की कवायद शुरू कर दी। जिले में वैसे ही रोजगार का अभाव है, हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रोजगार देने का काम कर रहा है तो उसे अपने हित के लिए बंद करवाने में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाने वालों की भी शहर में कोई कमी नहीं है। वर्षों पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से शहर में रोजगार देने वाली कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट।